अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल लवली व्यूअर्स, दिस इज़ मारुफ नवाज़ अहमद एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ कोई स्पेशल जगह जाने के लिए, जो वेस्ट बंगाल में तो है बट नॉट इन कोलकाता, कोलकाता में नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए मुझे ज़रा सवेरे उठना पड़ा ज़रा। तो फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल कुड सी कि सुबह के बज रहे हैं पूरे 6, मतलब 6:05 हो रहा है। एंड मेरी मछलियों को देखिए कितना ज़्यादा भूखी है, मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ और देखिए खाना देखकर कितनी खुश हो गई हैं सब। जा रही हूँ बलराम बाटी, हमारे पीर बुज़ुर्ग का मज़ार है वहाँ पर, मैं ज़्यारत करने के लिए जा रही हूँ वहाँ पे। तो मैं सारा डिटेल्स आपको दूंगी कि वहाँ पहुँचना कैसे, मैं आपको सारा चीज़ पूरे डिटेल्स को पूरे इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए, और अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अभी होने जा रहा है सनराइज़, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अभी सनराइज़ हो रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:35। फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं, वहाँ स्टेशन पहुँच कर आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टैक्सी ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं हावड़ा की तरफ, क्योंकि हावड़ा से ही हम लोग ट्रेन लेने वाले हैं, लोकल ट्रेन, तो वही लेकर हम लोग को पहुँचा देगा बलराम बाटी। तो जो कुछ भी वहाँ पर सीन मुझे नज़र आएगा टिकट वगैरह का, मैं सारा आप लोगों को इसमें व्लॉग में बता दूंगी कि कहाँ से आप लोगों को टिकट मिलेगा और कितना का टिकट होगा और कैसे आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, सारा प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगी। सो फ्रेंड, दिस इज़ कैलकटाज रेड रोड एरिया, यहाँ पे बहुत सारे क्लब है टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकीज़ वगैरह के लिए, एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं सुबह सुबह, और बहुत सारे लोग तो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैदान है, एंड एज़ यू ऑल नो कि ये ईडन गार्डन है, और जिनको नहीं मालूम है उनको बता देती हूँ। ये देखिए मेरे सामने ही हावड़ा ब्रिज है। हैरत की बात है ना दोस्तों, सैटरडे को मैं रिवर क्रूज़ में थी और मैंने नीचे से हावड़ा ब्रिज को देखा था, और आज मैं दूसरे ही दिन संडे को ऊपर हूँ इसी ब्रिज के। होता है ऐसा इत्तफाक। और ये देखिए हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए हावड़ा स्टेशन और अहमद जो है वो टिकट लेने के लिए वहाँ गए हैं। देखिए, पहले वहाँ से टिकट मिलता था लेकिन अब यहाँ से मिलने लगा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कोशिश में है कि हम लोग को 8 बजे वाला जो ट्रेन है वो मिल जाए, लेकिन देखते हैं मिलता है कि क्या, क्योंकि अभी तो लाइन है फिलहाल। तो टिकट मिल जाएगा जैसे वैसे हम लोग दौड़ कर अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर ऑनलाइन टिकट दे रहा है दोस्तों, और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे करके टिकट निकाला जाएगा, उनके लिए एक आदमी भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अहमद को टिकट मिल चुका है और हम लोग आ गए हैं हावड़ा स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं अंदर। मैं आप लोगों को कैमरा पूरा घुमा कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, साफ़ सफाई का काम ऑन है हावड़ा स्टेशन में। बाकी दिनों के कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो हावड़ा स्टेशन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा है इसमें। और ये देखिए हम लोगों का ट्रेन आ गया है, मुझे इसी में बैठना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम लोगों का ट्रेन का नाम है बर्दवान, हावड़ा बर्दवान लोकल, ठीक है। तो जितनी देरी में मैं पहुंचूंगी वो भी आप लोगों को बता दूंगी। तो टिकट का कॉस्टिंग पड़ा है ₹20 पर हेड करके। तो हावड़ा स्टेशन है लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खाली सा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रुकिए, पैंडमिक ने दोस्तों सब चीज़ ख़राब कर दिया है, तो इस वजह से अब जो पहले वाला जो मज़ा रहता था हर चीज़ का, अब वो मज़ा बाकी नहीं रहा। तो फाइनली ट्रेन ऑन हो चुका है और वक्त हो रहा है 8:30 बज रहा है। देखती हूँ कितने बजे पहुँचती हूँ, ऐसे 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। बहुत दिनों के बाद फाइनली दोस्तों लोकल ट्रेन का मैं यात्रा कर रही हूँ, ऐसे मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करती नहीं हूँ। हावड़ा जंक्शन से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ये वही हावड़ा है दोस्तों जहाँ पर आप पैर भी नहीं धर सकते हो, और आज बहुत ज़्यादा ही खाली है। ट्रेन जैसे ही जोर पकड़ेगा वैसे ही मैं आप लोगों को बाहर का सीन भी पूरा दिखाऊंगी। मुझे दोस्तों लोकल ट्रेन में सफ़र करने की ऐसी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ, बलराम बाटी जब जाती हूँ तो लोकल ट्रेन से ही जाती हूँ, और कई बार तो गाड़ी जो होता है वो बुकिंग करके जाना होता है। तो मम्मी पापा जब साथ में सब जाते थे तो सब मिल कर जाते थे, लेकिन 2 आदमी के लिए क्या गाड़ी बुकिंग करना। और हम लोग अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं।
ट्रेन जो है वो हमारा फुल स्पीड में ऑन है, चल रहा है। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों अब। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बलराम बाटी। का दिन है दोस्तों, लेकिन बलराम बाटी का जो स्टेशन है देखिए कितना खाली खाली सा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सवेरे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो लेट से आते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से और हम लोगों ने ले लिए हैं ऑटो, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेन से उतरते ही अगर आप ऑटो लेंगे और उनको बोलेंगे कि हम लोगों को बाजार जाना है, तो इन लोगों का सब जाना बुझा हुआ है, आप लोगों को एकदम बाजार के सामने ही जस्ट ड्रॉप कर देंगे। एक बार बलराम बाटी अगर आप लोग आ गए तो आप लोगों को कोई भी हैरेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन लोग सबको मालूम है कि हम लोग बलराम बाटी जो आते हैं कोलकाता से स्पेशली बाबा से ज्यारत, बाबा की ज्यारत करने के लिए ही आते हैं। 9:20 हो रहा है दोस्तों और हम लोग बलराम बाटी में आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन जो था वो बिल्कुल एकदम सही वक्त पर था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था ट्रेन में, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह का ट्रेन पकड़े थे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए तालाब, ऐसे ऐसे छोटे छोटे तालाब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को कैमरा अच्छे से घुमा के दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही मैं मज़ार पहुंचती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को ज़्यारत करवाती हूँ, क्योंकि मैं ऑटो से उतर गई हूँ और अब मैं पैदल जा रही हूँ। बस 2 मिनट का रास्ता है, मैं 2 मिनट में मज़ार पहुंच जाऊँगी। ये देखिए दोस्तों बैगन का खेत, ये नया बना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मज़ार, माशाल्लाह वो है मेन एंट्रांस, मगर मैं वहाँ से नहीं आई हूँ, मैं आ गई हूँ यहाँ से। मज़ार दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बाबा की दरगाह, और जो आप लोग मेरा नाम जानते हैं ना मारूफा, मुझे यहीं से मिला था, यहाँ से मिला था, मतलब कि जब मैं छोटी थी और जब मेरा खीर खिलाई कराया गया था तो मेरे मम्मी पापा मुझे यहीं लेकर आए थे और यहीं पर मेरा खीर खिलाई भी हुआ था और यहीं से मुझे नाम भी दिया गया था। एक पीर बाबा थे जिन्होंने मेरा नाम मारूफा दिया, और अब वो नहीं हैं, वो पर्दा कर चुके हैं। बहुत सारे नाज़रीन आते हैं दोस्तों अपनी हाजतें लेकर और बहुत सारी मुरादें लेकर, और जब मुरादें हो जाती है पूरी तो यहाँ पर अपने मन्नत को भी उतारने के लिए आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भीड़ ज़्यादा तो नहीं है लॉकडाउन के बाद, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और यहाँ अक्सर बच्चों की दुआओं के लिए माँ बाप आते हैं जिनकी गोदी खाली है, और बच्चे चाहते हैं और बाबा से दुआ करते हैं कि अल्लाह से मेरे हक़ में दुआ कर दें कि मेरा भी बच्चा हो। तो जब बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों को लेकर खीर खिलाई करवाने आते थे, मेरे मम्मी पापा भी आए थे। ये हमारे पीर मुर्शिद का दरगाह है और ये वेस्ट बंगाल में है, बलराम बाटी में है, और यहाँ पे मैं आई हूँ ट्रेन के ज़रिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे ही बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पूरे इंतज़ाम के साथ में, हालांकि यहाँ पे होटल्स वगैरह भी है, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। उन लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं पूरा फैमिली लेकर, शायद अपने बच्चे का खीर खिलाई करने के लिए आए हैं।
दोस्तों मैंने दुआएं कर ली हैं और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ लगा हुआ है। तो देखती हूँ, बाहर होटल वगैरह बहुत सारा है तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं खा लेती हूँ वहाँ पे जाकर। ऑफ कोर्स अपने कोलकाता की तरह नहीं है, लेकिन हाँ आप पेट भरने के लिए यहाँ पे खा सकते हो, अदरवाइज़ आप घर से लेकर आ जाओ। छोटा सा होटल है यहाँ पे, यहीं पे पूरी भाजी मिल जाएगा और यहीं पे खाकर चाय भी पी लेते हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, अपना नाश्ता का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आता है वैसे आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो ये है हम लोगों का नाश्ता जो अभी हम लोग करने वाले हैं। मिर्चा ज्यादा मिर्चा है। हेलो वो मिर्चा है। हे अच्छा है, यूज एंड थ्रो चीज है, परेशानी नहीं होगा। बिस्मिल्लाह कर लिया मैंने। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है और भूख में अगर आप कुछ भी खाते हो तो आपको अच्छा ही लगेगा। भाजी भी अच्छा है। खाना खाने नाश्ता करने के बाद आप लोग से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए और ये रहा हम लोगों का चाय। यहाँ पे यही सब मिलेगा दोस्तों, इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने वाले हो तो आप घर से लेकर आओ। दोस्तों अभी तक किसी ने भी कोलकाता के कोई भी यूट्यूबर ने शायद आपको बलराम बाटी नहीं घुमाया होगा, लेकिन मैं सोच कर रखी थी कि मैं जब भी बलराम बाटी आऊँगी अपने पीर बुजुर्ग की ज्यारत के लिए तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। तो लोग यहाँ से कैंडल्स वगैरह ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैंडल्स वगैरह का इन लोग शॉप ले कर रखे हैं। तो बलराम बाटी इज़ दी बेस्ट प्लेस टू विज़िट अगर आप कोई श्राइन में जाना चाह रहे हो। तो बहुत सारे नाजरीन आते हैं यहाँ पर ज़्यारत करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन में ये मज़ार को भी बंद रखा गया था बाकी सब मज़ार की जैसे। आगे दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं जाने वाली हूँ गोकुल दीवान जो पीछे साइड में है, एक और मज़ार और बड़े बाबा की मज़ार। तो मैं सब का ज़्यारत आप लोगों को अपने इस वाले ब्लॉग में करवाऊँगी। तो मैं अपने बुज़ुर्ग का नाम आप लोगों को बता देती हूँ, अलहज सैयद शाह ज़फ़रुल इस्लाम अल हुसैनी अल मजीदी रहमतुल्लाह अलैह, पीर कामिल मजले हुजूर के नाम से ये जाने जाते हैं। बड़े हुजूर का मज़ार भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यही वो जगह है जहां पर वो बैठकर लोगों की उलझनों को सुलझाया करते थे। अब हम लोग जा रहे हैं गोकुल दीवान की तरफ, तो वहां भी एक मज़ार है, मैं जाकर आप लोगों को वहां का भी मज़ार का ज़्यारत पूरा करवाऊंगी। अहमद कह रहे हैं कि इस तालाब में नहाने से सारा परेशानी दूर हो जाता है, भूत प्रेत सब दूर हो जाता है। दोस्तों ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा मानना है कि ये सारी जो शफा जो भी मिलता है वो अल्लाह के मर्ज़ी से होता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, देखिए मिट्टी का चूल्हा वगैरह, पूरा प्योर गांव, पूरा मिट्टी का घर था पहले। अहमद ले रहे हैं शिरनी, ये देखिए, क्योंकि हम लोगों को जाना है वहाँ मज़ार के अंदर। यहाँ देखो लगता है।
शहर की चहल पहल से दूर यहाँ गांव में बलराम बाटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज बासो बाटी, इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मैं आप लोगों को इसका परफेक्ट एड्रेस दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। पूरा खेत है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा खेत ही खेत है, पूरा फार्मिंग फील्ड है, कंस्ट्रक्शन का काम ऑन है यहाँ पर। यहाँ का मज़ार घुमा दिया और गोकुल दीवान भी घुमा दिया। अब मैं लेकर जाऊंगी आप लोगों को दूसरे मज़ार जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। जितने लेट से आएंगे उतना भीड़ होगा। हम लोग तो यहाँ सवेरे आ गए थे। ये देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि यहाँ पे खीर खिलाई होता है, तो ये देखिए खीर खिलाई हो रहा है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि एक बच्ची को यहाँ पे खीर खिलाई के लिए लेके आए हैं। मैंने आप लोगों को जैसा बताया दोस्तों कि यहाँ बहुत सारी बच्चे आते हैं खीर खिलाई के लिए। जब मैं छोटी थी तो मेरा भी खीर खिलाई यहीं पर हुआ था, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मारूफा नवाज़ जो नाम है मेरा, वो भी मेरे पापा को और मम्मी को यहीं से दिया गया था कि आप इस बच्ची का नाम मारूफा यहीं पर रखो। कितना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। हम लोगों को भीड़ इसलिए नहीं मिला दोस्तों क्योंकि हम लोग आ गए थे सवेरे, और अब हम लोगों का ज़्यारत हो चुका है, तो अब हम लोग दूसरी मज़ार की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ का भी ज़्यारत करवाऊँगी। मज़ार अगर आए हैं दोस्तों और आप लोगों को अगर भूख लग गया है तो यहाँ पर आप लोग खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे चिकन बिरयानी आप लोगों को मिल जाएगा, और डे मालू भात भी मिल जाएगा, और माछ भात झोल भी मिल जाएगा विद भाजी। ये सारा यहाँ का डिशेस का नाम है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहले गए थे वो मजले बाबा की मज़ार थी। बड़े बाबा का बोला हुआ था मजले बाबा को कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपके दर पे ज़्यादा आएंगे, मेरे दर पे बाद में आएंगे, पहले आपके दर पे आएंगे। तो देखिए आज पीरवली का बोला हुआ बात कितना सच्चा कि आज उनके दर पर लोग पहले जाते हैं और फिर बाद में इनके दर पे आते हैं।
तो दोस्तों हम लोगों ने भाजी पूड़ी खा लिया था और अब 12:30 बज रहा है, तो लंच का टाइम हो गया है। लेकिन यहाँ पे खाना ऐसा नहीं है जो आप अच्छे से खा लो, तो अब हम लोग निकल ही रहे हैं। हम लोगों का काम भी हो गया है, तो मैं अहमद को बोली हूँ कि आप जाकर वेज पकौड़ा ले आओ, तो हम लोग वेज पकौड़ा या चिकन पकौड़ा ही खाकर अब यहाँ से निकल देंगे स्टेशन के लिए। बच्चा पूछ रहा है कि ये डिवाइस कौन सा है, मैं बता दूँ क्या इन लोगों को? तो दोस्तों इससे समझ में आता है कि यहाँ के बच्चे अभी भी इतने एक्टिव और स्मार्ट नहीं है जितना कि कोलकाता के हैं, जबकि ये वेस्ट बंगाल ही है। लेकिन कोलकाता का तो बच्चा बच्चा जानता है कि व्हाट इज़ मोबाइल एंड व्हाट इज़ सेल्फी स्टिक, बट इवन दे ऑल आर आस्किंग मी कि ये क्या है। और ये वेज पकौड़ा है, आई थिंक से ये वेज पकौड़ा नहीं है, ये प्याजू है, प्याजू है। अहमद मुझसे कह रहे हैं कि ये जो माजा का बॉटल अभी अभी वो लाए हैं वो मेरा नहीं है, मैं उसमें से नहीं पी सकती, मैं पूरा छीन लूंगी उनसे। तो हम लोगों ने खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ अहमद का माजा छीनने। लो आप लोग आके यहाँ पे इत्मीनान से इनके पास नाश्ता पानी कर सकते हो, इनके पास भाजी पूड़ी चाय वगैरह सब कुछ मिलेगा, और दिन के टाइम में मुगलई पराठा है, चाउमीन वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और अभी हम लोगों ने इन्हीं के पास से वेज पकौड़ा लिया है और चिकन पकौड़ा भी मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ पे टोटो लगा हुआ है, उसके थ्रू आप लोगों को जाना पड़ेगा स्टेशन की तरफ, लेकिन पता नहीं अभी वो टोटो लेकर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो जब तक भरेगा नहीं तब तक की टोटो स्टेशन की तरफ जाएगा नहीं। तो हम लोग आगे जाकर देखते हैं, शायद ऑटो मिल जाए। अभी ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक 1-2 साल बाद जब मैं यहाँ का व्लॉग अगर बना रही होंगी तो यहाँ पर भी शायद कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा और ऐसा ही बिल्डिंग खड़ा हो चुका होगा, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे सामने एक ऑटो है, मैं जा रही हूँ बैठने। तो दोस्तों ये था बलराम बाटी, जहाँ पर हम लोग आए हुए थे ज़्यारत करने के लिए, और अब हम लोग वापस आ चुके हैं स्टेशन, क्योंकि हम लोगों को जाना है वापस कोलकाता। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठे हुए हैं बलराम बाटी के स्टेशन में, हम लोग अपना ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो कि आने वाला है अभी थोड़े ही देर में, क्योंकि अनाउंस हो चुका है। लोगों को अच्छे से स्टेशन दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना खाली खाली सा सन्नाटा है। दोस्तों यहाँ सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मज़ार में अभी अभी सारे नाज़रीन जो है वो ज़्यारत के लिए गए हैं, और बांसु पार्टी स्पेशली जितने नाज़रीन हैं कोलकाता या फिर मेदनीपुर से कहीं से भी, उन लोग ज़्यारत करने के लिए ही आते हैं। और हम लोगों का जो गाड़ी आने वाला है ट्रेन हावड़ा जाने के लिए, वो इस तरफ से आएगा। स्वीट होम दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने हावड़ा में। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।